ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग अपने फार्म के अंदर काफी सारी व्हाइट शीप ले आए थे और काफी सारी बफेलो ले आए थे, और यहाँ पर ना बिल्कुल भी अब हमें खाने की कमी नहीं पड़ने वाली और व्हाइट वुल भी हमें काफी सारा मिलता रहेगा। और जैसे कि आप लोग पीछे की तरफ में देख पा रहे हो, हमारा जो घर है ना काफी ज्यादा चेंज नहीं, मतलब काफी नहीं, पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। मतलब कि पहले कैसा खंडर सा लगता था, लेकिन अब ये एक महल जैसा लग रहा है। सबसे पहले ना मैं आपको अपना घर एक्सप्लोर करवाना चाहता हूं, क्योंकि इसको बनाने में भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। अभी फटाफट से ना सबसे पहले मैं नीचे उतरता हूं। बाहर से तो मैंने आपको पूरी की पूरी लुक जो है दिखा दी है, अभी अंदर से चलकर दिखाता हूं कि कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले ना यहां पर आप लोग देखो कि मैंने नदी वदी बना दी है, मतलब नदी नहीं है, ये छोटा सा ना मैंने एक वाटर ट्रैप बनाया है ताकि ज़ॉम्बीज वगैरह अगर मेरे घर के अंदर एंटर होने की कोशिश करे तो इस वो वाटर में आकर अटक जाए, मतलब ये छोटी सी मैंने रिवर टाइप बनाई है। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग लेफ्ट की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना मेरे फार्म के अंदर काफी सारी बफेलो हो चुकी है, तो भाई खाने की सच्ची में बिल्कुल कमी नहीं होने वाली। और यहाँ पर जो मेरा ये एरिया था ना, इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बीच वाला जो एरिया ना, ये मैंने अभी अलग से बनाया है। इसके अंदर या तो हम लोग पिग लाएंगे या फिर हम लोग मुर्गी लाएंगे, खैर छोड़ो, जो भी है जिससे ज्यादा फायदा मिलेगा उसको लेकर आएंगे। और यहाँ पर ये है मेन मेरा वो एरिया जहाँ पर मेरी सारी सारी क्रॉप्स जो उग रही है। बाकी ना यहाँ पर अगर मैं इनको मतलब काटूंगा तो यहाँ पर मुझे काफी सारी सीड्स एंड क्रॉप्स मिल जाएगी, और ये सब जो है ना मैं इनको खिला दूंगा। तो सबसे पहले काम करता हूँ, जितनी मैंने काटी है ना सीड्स, इनको मैं जल्दी से ना सबसे पहले दोबारा लगा देता हूँ। और यहाँ पर इससे मेरे को जितनी भी फसल मिली है, इन सभी फसल को ना मैं इन लोग को खिला देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर थोड़ा सा और रह गया था, इसको भी हटाई देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी क्रॉप्स जो है काट दिया है। अब एक काम करते हैं ना, फटाफट से यहाँ पर जितने भी मेरे को इससे चारा मिला है इन सबको लेकर चलते हैं, और यहाँ पर शीप को भी खिला देंगे और बफेलो को भी खिलाएंगे। और ये लोग देख लो भाई, चारा देखकर कितनी पीछे मेरे आएंगे। आ जाओ जल्दी से खाओ भाई। अब यहाँ पर मैंने जितना खाना खिलाऊंगा ना, इनकी जनसंख्या उतनी ज्यादा बढ़ेगी, मतलब कि क्वांटिटी जो है बढ़ती जाएगी और मुझे उतना ज्यादा खाना मिलेगा। तो इसे बंद कर दो। अब बारी यहाँ पर शीप की। चलो भाई शीप, जल्दी से अंदर आओ, खाना खाने का टाइम हो गया तुम्हारा। और कहीं सभी आपको मैं घर एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग घर देखना चाहते हो मेन। तो यहाँ पर मैंने इनको भी खाना खिला दिया है। अभी बाकी ये एरिया तो मैंने आपको दिखा दिया, अभी फटाफट चलते हैं अपने घर के अंदर, ठीक है। घर के अंदर का बहुत अच्छा एरिया है। बाकी ना यहाँ पर छत पर मैंने एक स्विमिंग पूल भी बनाया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और चलते हैं सबसे पहले छत पर, स्विमिंग पूल दिखा देता हूँ। और बाकी अगर आप लोग मेरा घर अंदर से देखोगे ना, तो यहाँ पर राइट में एक रास्ता जा रहा है जो कि यार काफी ज्यादा नीचे तक गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग सीधा जाए तो एक बहुत ही गहरी केव आती है, जिस केव के अंदर हमें डायमंड गोल्ड सब कुछ मिलता है। और यहाँ पर अगर हम इस रास्ते में जाएंगे तो यहाँ पर मैं अपना एक पर्सनल रूम बनाऊंगा बहुत ज्यादा सीक्रेटली, मतलब काफी सारे रूम बनेंगे। अभी ये पूरा का पूरा ना महल जो है तैयार हो चुका है, अभी मैं छत पर आ चुका हूँ। तो भाई देखो, यहाँ पर ना राइट की तरफ में भी आपको काफी ज्यादा बड़ा स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, और लेफ्ट में भी आपको काफी ज्यादा बड़ा पूल देखने को मिलेगा। और ये दो पूल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ना एक ही स्विमिंग पूल है। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करवाता हूँ कि कैसा मैंने बनाया यहाँ पर। इसमें नहाने वाने कोई फायदा नहीं होता, वो मैंने इसलिए बनाया ताकि जो अपने घर की लुक है ना बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाए। तो देख लो भाई, पूरे के पूरे स्विमिंग पूल को मैंने आपस में कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ भी बना दिया ताकि हम लोग अपना नहा धो के ऊपर आ जाए। और अगर हम लोग नीचे की तरफ में जाएंगे ना, तो ये देखो भाई, एक ये रास्ता मैंने जो बनाया है बहुत नीचे आ रहा है, इसके अंदर भी हमें जाना है। क्योंकि गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं दूसरे वर्ल्ड में, यानी कि नेदर पोर्टल में। और वहां पर जाने के लिए ना हमें एक अलग सा ही रास्ता बनाना पड़ता है, मतलब कि लावा में पहले पानी डालना पड़ता है, फिर बहुत कुछ करना पड़ता है, वो भी हम आगे चलकर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ना आपको एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पर ना मैंने अपने घर के ऊपर मतलब इधर से ना एक ऐसा रास्ता बनाया, एक टाइप से ना ये तो मैंने मतलब कि वाटरफॉल बनाया था, लेकिन यहाँ से मैं सीढ़ियों की टाइप से उतरने का भी काम कर ही लेता हूँ। ये देखो भाई, एक्चुअली में ये है तो वाटरफॉल, लेकिन मैं इसको सीढ़ियों की तरह यूज करता हूँ। बाकी यहाँ पर घर को ना मैंने पीछे से भी बहुत ज्यादा बढ़िया बनाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने सामने से बढ़िया हो भाई, पीछे से भी देखो पूरा उसी टाइप से मैंने बना दिया ताकि ज़ॉम्बीज अगर मेरे घर के पास भी आने की कोशिश करें ना तो बेचारे पानी के अंदर गिर के फंस जाए। और कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस घर को बनाने में, इसीलिए इतना ज्यादा मैं तुम आप लोग को एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी बड़े बड़े काम करते हैं, जल्दी से ना वापस चलते अपने घर के अंदर, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर रात होगी ना तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी से हम लोग ना केव के अंदर चलते हैं। तो अभी हमें दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए ना रास्ता बनाना है। एक्चुअली एक रास्ता नहीं बनाना होता, एक टाइप से ना फ्रेम बनाना होता है ऑब्सीडियंस ब्लॉक का। और ऑब्सीडियंस ब्लॉक हमें मिलते हैं लावा को बुझाने से, और लावा बुझता है पानी डालने से। तो यहाँ पर मेरे पास ना दो दो वाटर बकेट है, तो अभी फटाफट से ना इसी वाली केव के अंदर मैं जाने वाला हूँ। और यहाँ पर ना मैंने पूरी की पूरी सीढ़ियाँ लगा दिया है, जिससे कि मुझे ना उतरने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर अगर रात होगी ना तो शायद से इधर अंदर भी अंधेरा हो ही जाएगा वैसे कि, लेकिन ना मैंने काफी सारी टॉर्च लगा रखी है तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अंधेरा होने वाला है। और ये देखो भाई, कितना ज्यादा मैं नीचे उतर कर आ गया हूँ, और यहाँ पर ना सामने आ गया केव। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है लावा। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, टॉर्चेस मेरे पास ना काफी सारी पड़ी हुई है, और यहाँ पर आगे से लाइट आ रही है, शायद मेरी टॉर्च की लाइट है। हाँ भाई, ये मैंने जो टॉर्च लगाई थी ना इसकी लाइट है। बाकी यार लावा कहाँ पर है, लावा अगर मेरे को कोई बता दे तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर ओ भाई साहब, आज मेरे को दोबारा से गोल्ड मिला है, और आज मैं इसको इससे तोड़ने वाला हूँ। हमेशा मैं क्या करता था ना गाइस, यहाँ पर जब भी मेरे को
गोल्ड मिलता था ना भाई, बहुत ज्यादा गोल्ड है। एक काम करते हैं ना, अच्छे से तोड़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ना मैंने आपको बताया था ना गोल्ड इस केव के अंदर बहुत सारा है, तो अभी एक काम करते हैं फटाफट से ना सारा का सारा गोल्ड यहाँ पर जितना भी है सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिलहाल मेरे को लग रहा है गोल्ड खत्म हो गया। हाँ, तीन चार ही थे, मतलब तीन चार और ही थे गोल्ड के, तो चारों के चारों मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो गाइस यार सबसे पहले ना मैं यहाँ पर एक टॉर्च लगाता हूँ ताकि ना मुझे याद रहे कि मैं इसी रास्ते से आगे गया हूँ। यहाँ पर ना काफी ज्यादा भूख भी लग रही है, तो फटाफट से ना खाना मैं खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। यहाँ पर अगर जब ज्यादा पेट खाली हो जाता है ना तो प्लेयर भी बहुत ज्यादा धीरे चलता है, और यहाँ पर ना खाना ज्यादा बचा नहीं है तो मुझे ना जल्दी से यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। बाकी ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो नीचे की तरफ में मेरे को लावा तो मिल गया भाई, देखो लावा बहुत आराम से मिल गया। अब बस ना मुझे ये याद रखना है कि मैं किस रास्ते से नीचे आया था और किस रास्ते से मुझे ऊपर जाना है। तो ये देखो ये जो लावा है ना पूरा पूरा एक जगह पर स्टिल है, तो यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर पानी डालूंगा तो मुझे काफी सारे ऑब्सीडियंस मिल जाएंगे। लेकिन ना गाइस एक दिक्कत की बात है, यहाँ पर ना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही वाटर बकेट है। तो सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना मैं अनलिमिटेड वाटर बनाता हूँ, मतलब कि इनफाइनाइट वाटर बनाने की ना एक ट्रिक होती है बहुत मस्त। तो सबसे पहले मैं इस इधर एक पानी डालना है, मतलब और थोड़ा सा पानी इधर डालना है। अब मेरे पास ना गाइस अनलिमिटेड पानी हो चुका है, और यहाँ पर भाई सब स्पाइडर कहाँ से आ गई, तेरी भैंस की टांग, अंदर क्या कर रही है तू, अभी लावा में उठा के फेंक दूंगा मैं। चलो यहाँ पर अभी काफी सारा तो मेरे पास वाटर हो चुका है, तो वाटर को इसके अंदर डाला, ये देखो ऑब्सीडियंस बन गए, इधर भी डाला यहाँ भी बन गए। तो भाई देखो अभी ना एक चीज की गड़बड़ हो गई है, ये जो ऑब्सीडियंस होते हैं ना इनको डायमंड पिकेक्स से ही तोड़ा जाता है तभी हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर ना अभी मुझे अपने घर पर वापस से जाना पड़ेगा डायमंड पिकेक्स लेने, क्योंकि जो मेरी डायमंड पिकेक्स थी ना मैंने उसे अपनी चेस्ट के अंदर संभाल के रखा हुआ है, और यहाँ पर जो रास्ता था वो भी मैं भूल गया। नहीं 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 भूला, इस रास्ते से आया था मैं। अभी जल्दी से यार पहले मैं अपने घर पर चलता हूँ, वैसे ही पहुंचने में ज्यादा टाइम तो लगने नहीं वाला, पास में ही अपना घर। तो चलो गाइस यार फाइनली अभी मैं अपने घर पर जो है वापस आ चुका हूँ। यहाँ पर ना जल्दी से अपनी चेस्ट खोलते हैं, और यहाँ पर ये देखो ये पड़ी मेरी डायमंड पिकेक्स, और अगर मैं इसको पहले उठा लेता ना तो मुझे यहाँ पर दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पर ना अभी ना काफी सारा मुझे ना पानी भी चाहिए होगा, तो मेरे पास ना गाइस अभी अनलिमिटेड वाटर है, तो पानी की मेरे को कोई भी कमी नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पर जितना भी वाटर बकेट थी ना मेरे पास दो दो मैंने कलेक्ट कर लिया, इससे हम इनफाइनाइट वाटर बना सकते हैं कभी भी। अभी ना एक काम करता हूँ, एक चीज ना अभी भी रह रही है, मतलब कि देखो भाई पहले जब मैं गया था तो मेरे पास तीन चार ब्रेड थी, लेकिन भाई अभी खाना खाने को कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले ना देखो सामने की तरफ में जितने भी यहाँ पर अभी बफेले हो ना जिनको मैं इतने दिनों से पाल रहा हूँ, यहाँ पर इनको मार के इनसे खाना लेने की बारी आ गई। तो भाई देखो खाना लेने के लिए इन्हें मारना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम पाल इसलिए रहे ताकि हम लोग अपना भी पेट भर पाए। तो यहाँ पर काफी सारा इनसे मेरे को मीट मिल चुका है, लेकिन जो मेरा बैग है ना वो पूरा फुल हो रखा है। तो यहाँ पर बैग से मैं क्या फेंकूँ जो कि मेरे बिल्कुल भी काम का नहीं है, तो यहाँ पर ये फेंक देते हैं, इससे हमें काफी ज्यादा मीट मिल जाएगा इसके। और निकल यहाँ से, चलो भैया आपको भी अपनी जान देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो ना गाइस अभी मैंने काफी सारी बफेलो को मार के काफी सारा मीट जो है कलेक्ट कर लिया है। अभी जल्दी चलते ना इस खाने को अपने फर्नेस में डालेंगे, और यहाँ पर देख रहे हो प्लेयर की स्पीड इतनी ज्यादा कम हो गई क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है भाई। तो यहाँ पर अभी खाना धड़ाधड़ खाना पड़ेगा, अभी जल्दी चलते हैं फर्नेस में, सारा का सारा खाना जो भी मीट मैं बफेलो से लेकर आया हूँ इसको फर्नेस में डाल के पकाते हैं। ये देखो ये रहा सारा मीट मेरे पास, इतना सारा मीट मैं ले आया। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग अभी सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना फर्नेस में मैंने काफी सारा मीट जो है डाल दिया, मतलब कि जो मैं अपनी बफेलो से लेकर आया था, और इससे मुझे काफी सारा कुक्ड बीफ जो है मिलने वाला है, जिससे हम अपना पेट जो है पूरा फुल रखेंगे और अपनी हेल्थ भी पूरी फुल रखेंगे। और यहाँ पर ना अपना बैग मैं थोड़ा सा खाली कर लेता हूँ, जो भी काम का सामान है ना उसको हटा दो भाई। तो ओके गाइस यार यहाँ पर ना जितना भी फालतू का सामान था उसको मैंने इस वाली चेस्ट के अंदर स्टोर करवा दिया, और दूसरी वाली चेस्ट में भी डलवा दिया। और यहाँ पर ना मेरे को काफी सारा खाना भी मिल चुका है, अभी जल्दी से बारी आ गया नीचे चलने की, और इस बार हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन ना सबसे पहले अपना पेट भर लेता हूँ ताकि जो मेरी हेल्थ है ना फुल रहे। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास काफी सारा कुक्ड बीफ है, हमारा जो प्लेयर है इतनी तेज भाग रहा है ना, सीढ़ियों को इतनी तेज उतर रहा भाई पूछो मत। अभी जल्दी चलते हैं हम लोग नीचे, और वहां पर चल के डायमंड पिकैक्स से जितना भी ऑब्सीडियंस है सबको कलेक्ट करेंगे। तो ओके गाइस यार अभी फिलहाल मैं उसी गुफा के अंदर तो वापस आ गया, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये वही वाली टॉर्च है जिसको मैंने एज अ चेक पॉइंट लगाया था। बाकी ना मुझे वो जगह नहीं याद आ रही जहां पर मैंने लावा के अंदर पानी डालकर ऑब्सीडियंस बनाए थे, बस ना मुझे वो वाली अगर जगह मिल जाएगी तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, वरना हमें दोबारा से कोई अलग लावा ढूंढना पड़ेगा। एक लावा है तो पीछे की तरफ, लेकिन हमें कोई ऐसा लावा चाहिए जो कि अपनी पोजीशन पर पूरे का पूरा स्टिल हो। बाकी यार अगर मेरे को वही जगह मिल जाती तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं मिल रही तो हमें भाई साहब मेरे को लगा मैं लावा में गिर गया भाई, मैं डर गया था। अभी फिलहाल ना नीचे तो देखो भाई काफी सारा लावा है, तो यहाँ पर ना सबसे पहले ना एक काम करता हूँ भाई, मैं इस लावा में गिर ना जाऊं, एक काम करता हूँ ना सबसे पहले रास्ता ना थोड़ा सा ढंग का बनाते भाई, अगर मैं इस लावा में गिर गया ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, जितना भी काम का सामान है ना सारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना मैंने एकदम बढ़िया सी जगह बना लिया जहां पर मैं आराम से खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि अगर हल्का सा भी पैर फिसला तो हम लोग सीधा लावा में जाकर गिरेंगे। और यहाँ पर ना पहले ना छोटा सा खड्डा बनाना है जिसके अंदर हम लोग इनफाइनाइट वाटर बनाने वाले। और देखो भाई ये वो जगह मिल गई जहां पर हमने पहले ऑब्सीडियंस बनाए थे, ठीक है। अभी पीछे की तरफ में वाली जगह भी मेरे को मिल चुकी है, तो एक काम करता हूँ ना जितनी भी वाटर बकेट है ना मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि यहीं पर पीछे ये रहा मेरा इनफाइनाइट वाटर वाली जगह। एक टॉर्च मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से दिखते रहे। तो ये देखो भाई यहाँ पर भी फटाफट से ना इसके अंदर भी थोड़ा सा वाटर डालते हैं, यहाँ पर इसके अंदर भी थोड़ा सा वाटर डालते हैं, थोड़ा सा लावा और रह गया, ठीक है। यहाँ से पानी निकाला, इसके अंदर डाल दो,
और फिर यहां से पानी निकाला, इसके अंदर डाल दो। अबे भाई ये तो सारा बुझ गया। चलो भाई लावा यानी कि खत्म हो चुका है। एक टॉर्च लगा ऊपर और जितना भी ऑब्सिडियंस मिला है इनको जल्दी से कलेक्ट करते हो। और ये देख रहे हो भाई कितना ज्यादा पावरफुल है, टूटने का भी नाम नहीं ले रहा। डायमंड पिकेक्स की भी हालत खराब हो गई। तो गाइस यार अभी ना मैंने यहाँ पर दो ऑब्सिडियंस ब्लॉक तो तोड़ दिया है और यहाँ पर इनको तोड़ने में ना काफी ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा हार्ड है। और यहाँ पर देख रहे हो भाई सच्ची में यार बहुत ज्यादा हार्ड है। सबसे हार्ड जो अगर कुछ ब्लॉक देखा जाए ना तो मेरे सबसे माइनक्राफ्ट में वो ऑब्सिडियन का ही ब्लॉक होगा। अब खैर यार इस ब्लॉक के थ्रू हम लोग दूसरे वर्ल्ड में जाने वाले हैं, वो भी चीज तो देखो। तो अभी ना मुझे पता नहीं है कि मुझे ना टोटल कितने ब्लॉक तोड़ने चाहिए। बस ना हमें एक फ्रेम बनाना है, जैसे कोई फोटो फ्रेम होता है ना कुछ उसी टाइप का हमें एक फ्रेम बनाना है। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग 10-12 ब्लॉक भी तोड़ेंगे तो शायद से इनफ है। लेकिन एक काम करते हैं ना 15 ब्लॉक लेकर चलते हैं, शायद से 15 ब्लॉक में आराम से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यार 10 ले जाऊंगा तो हो सकता है कहीं कम पड़ जाए तो दोबारा मैं आना नहीं चाहता इस जगह पे। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो ना अभी मेरे पास 8 ऑब्सिडियन ब्लॉक जो है हो गया। आगे की तरफ में भी थोड़ा सा लावा था, इस लावा के अंदर भी जो है पानी मिलाते हैं और जल्दी से इस लावा को भी हम लोग ऑब्सिडियन बनाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं पानी डालने वाला हूं इस साइड पर, फिर हम पानी डालेंगे इस साइड पर। तो यहां पर अभी काफी सारे ब्लॉक आ गए हैं और पानी लेकर आते हैं भाई। यहां पर तो इनफाइनाइट वाटर की भाई नदी लग गई है भाई साहब केव के अंदर। यहां पर भी पानी डालो, यहां पर भी पानी डालो। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल ना मैंने काफी सारे ऑब्सिडियन ब्लॉक जो है कलेक्ट कर लिए हैं। अभी ना यहां पर एक ब्लॉक और रहा था, मैं सोच रहा हूं इसे भी तोड़ दें। और यहां पर ना भाई देखते ही देखते पूरा का पूरा जो लावा है ना सारा का सारा ऑब्सिडियन ब्लॉक से ही भर चुका है। अभी यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ओ भाई साहब 18 ऑब्सिडियन ब्लॉक जो है मैंने कलेक्ट कर लिए। अभी ना मुझे थोड़ा सा ना आयरन भी चाहिए होगा। और यहां पर डायमंड पिकेक्स की ना हेल्थ जो है बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि मैंने इसे इतना ज्यादा यूज करा है और ऑब्सिडियन ब्लॉक इतने ज्यादा हार्ड थे उसे तोड़ने में इतना टाइम लगा, फिर भी इसकी जो हेल्थ है ना बहुत ज्यादा कम गई है। अभी ना एक काम करता हूँ, जिस रास्ते से मैं यहाँ पर आया था ना उसी रास्ते से जल्दी यहाँ से मैं बाहर निकल लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी मेरे को आके मारे या फिर मैं खुद ही गलती से जाके लावा में गिर जाऊँ। तो कहीं सर अभी तो फिलहाल यहाँ पर से मैं बहुत ही ज़्यादा आराम से बाहर निकल गया हूँ। और मुझे ना काफ़ी सारे अभी आयरन इंगट चाहिए, आयरन इंगट ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े बहुत चाहिए। और फ्लिंट चाहिए, फ्लिंट मेरे पास पहले से पड़ा और मुझे पता ही नहीं फ्लिंट आया कहाँ से, लेकिन हाँ इसके अंदर ना फ्लिंट चाहिए होता है। तो कहीं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास ना अभी 4 फ्लिंट है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हमें थोड़ा सा फ्लिंट चाहिए और थोड़े से आयरन इंगट चाहिए। और मेरे पास तो यार थोड़े से नहीं काफ़ी सारे हैं। और अब ना मुझे फ्लिंट एंड स्टील को मिक्स कर एक चीज़ बनानी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये रखा और ये देखो भाई यहाँ पर अब मेरे को मिल चुका है फ्लिंट एंड स्टील। तो ये ना शायद से स्पार्किंग के काम आता है जिससे कि आग लग जाती है, कुछ ऐसे टाइप का सीन होता है। तो यहाँ पर अभी ना रात तो नहीं हो रही ना भाई, रात हो रही है। काम करते हैं पहले ना आराम से सो जाते हैं, कल सुबह हम लोग उठ के नेदर पोर्टल का रास्ता बनाने वाले हैं। तो भाई अभी बहुत बढ़िया सीन हो चुका है और भाई सच्ची में मैं ना पहली बार बनाने वाला हूँ और वहाँ पर मैं पहली बार जाने वाला हूँ। मुझे नहीं पता वहाँ पर चलकर हमें क्या देखने को मिलने वाला है, कैसी जगह होगी, क्या क्या वहाँ पर होगा। लेकिन हाँ अपने डायमंड पिकैक्स ना मैं यहीं पर छोड़ के जाऊँगा क्योंकि हो सकता है वहाँ पर भाई कोई खतरनाक सही राक्षस वाक्षस आ जाए और हमारा सब कुछ छीन ले। तो इसलिए जितना भी काम का सामान है ना वो मैं यहीं पर रखकर जाने वाला हूँ। और ये कौन है भाई साहब? तो भाई यार देखो ये जो रास्ता है ना, मतलब कि जो वाटर ट्रैप है, मैंने इन जैसे लोगों के लिए बनाया था, तुम्हारी ऐसी की। ओ तेरी, ओ भाई मारो तेरी भैंस की टांग भाई साहब, इसने तीर कमान चला दिया मेरे ऊपर, इतनी तेज लगाना मेरी हेल्थ चलेगी भाई थोड़ी सी। अभी एक काम करता हूँ जल्दी से ना यहाँ पर मैं एक ब्रेड नहीं यहाँ पर कुक्ड बीफ खाते और अपनी हेल्थ फुल करते हैं। तो चलो भाई अभी जो नेदर पोर्टल है ना मुझे शायद से अपने घर के अंदर ही बनाना चाहिए ना, घर के बाहर कौन जाएगा। एक काम करते हैं ना अपनी घर की छत पे बनाते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं अपने घर पर पहुंच चुका हूँ। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि ये जो नेदर पोर्टल है ना इसे किस जगह पर बनाना चाहिए, मतलब कि कुछ अभी ज्यादा पता नहीं है ना, पहली बार बना रहा हूँ। तो एक काम करते हैं इसे अपने घर पर ही बनाकर देख लेते हैं, बस इससे ना मुझे कोई खतरा ना हो। तो एक काम करते हैं यहाँ पर मैं इसको बनाने वाला हूँ, यहाँ पर ऐसे बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, देखने में मस्त लगेगा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ना कुछ इस टाइप का एक फ्रेम बनाना है काफी ज्यादा बड़ा सा, और इधर भी हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ना इसे सामने से हमें जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर जंप करके मैं पूरा का पूरा तो अभी फिलहाल मैं ऑलमोस्ट बना चुका हूँ और यहाँ पर बहुत बुरी तरह मैं नीचे गिरा। और यहाँ पर कुछ इस टाइप का नेदर पोर्टल का फ्रेम होता है, मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा चौड़ा होता है यहाँ पर। एक काम करता हूँ, ये है मेरे पास फ्लिंट, इसको यहाँ पर लगाते हो। ओ भाई साहब जैसा कि गाइस मैंने कहा था कि नेदर पोर्टल जो है इस टाइप से बनता है और वो बन चुका है। और यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर गया तो हम लोग पहुँच जाएंगे दूसरे वर्ल्ड में। तो गाइस 3, 2, 1 अभी जल्दी से चलकर देखते हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ अभी 3, 2, 1 पहाड़ में जाए यहाँ पर। ओ भाई ये आवाज़ किस चीज़ की आई? ओ भाई ये आवाज़ नेदर पोर्टल की थी क्या? बड़ी डरावनी आवाज़ थी भाई ये तो। अभी एक काम करता हूँ ना, डायमंड पिकैक्स और जितनी भी काम की चीज़ें ना उसको मैं यहाँ पर संभाल के रख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये ऑब्सिडियंस बाद में भी काम आ सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। स्टोन वगैरह लेकर चलते हैं, आयरन गट यहीं पर रख देते हैं। और यहाँ पर तो एक बकेट भी है, नहीं बकेट लेकर चलते हैं, क्या पता हमें वहाँ पर कुछ बढ़िया सा लिक्विड विक्विड देखने को मिल जाए तो कलेक्ट कर ले आएंगे। अभी जल्दी से चलते हैं यार, इतना ज़्यादा झमेला नहीं है, मर गया क्या हो गया, दोबारा बना लेंगे, बहुत सारा सामान पड़ा है। अभी यहाँ पर इसके अंदर ना काफ़ी अजीब सा साउंड आता है तो वो डरावना सा है। तो ये देखो भाई वर्ल्ड जो है हमारा चेंज हो रहा है और हम लोग अपनी दूसरी दुनिया में पहुँचने वाले हैं। भाई साहब आ गए क्या हम लोग? आगे जाऊं मैं? एक सेकंड भाई ये क्या है? ओ भाई
ये हम लोग कहाँ पर आ गए? अबे अभी तुम भाई ये रो कौन रहा है? अबे ये कोई तो रो रहा है। ओ भाई ये ऑक्टोपस है क्या है? अबे ये हम लोग कहाँ आ गए? शिट भाई ये तो बहुत खतरनाक है। और मुझे पता क्या लग रहा है कि ये लोग मेरे को मारेंगे। और जो मेरा वापसी का घर का रास्ता है ना वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं। अबे भाई कोई तो रो रहा है भाई, कोई ना बच्चों जैसी रोने की आवाज निकाल रही है। देखो भाई ये कैसी कैसी से आवाज आ रही है भाई। ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई? देखो भाई नेदर पोर्टल में ना काफी ज्यादा डरावनी डरावनी सी आवाजें आ रही हैं। और यहाँ पर जो मेरे को हेडफोन में एक्सपीरियंस हो रहा है ना इन आवाज़ों का पूछो मत। यहाँ पर ना कोई बच्चों की तरह रो रहा है, जैसे कोई डोल नहीं रोती कुछ उस टाइप से। मेरे पास आओ भाई ये। ओबे ये क्या था? ओ भाई साहब ये क्या उगल रहा है अपने मुंह से? भाई इनसे दूर हो जाए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस यार अभी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार कहाँ पर जाना चाहिए। नेदर पोर्टल में ना गाइस यार काफी सारा लावा है भाई, मेरे को तो देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये देखो नीचे की तरफ में देखो पूरी की पूरी ना लावा की नदी बह रही है। और ये शायद से ना जैसे पाताल लोक नहीं होता कुछ उस टाइप का यहाँ पर ये लग रहा है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए। और बाकी ना नीचे की तरफ में देखो एकदम पूरा खुला एरिया भाई, एकदम पूरा ग्राउंड है। और यहाँ पर इसने आग लगा रखी है, मैं इससे जल सकता हूँ पता बहुत ही बुरी तरह। लेकिन यार एक दिक्कत की बात है, मैं कहीं पर भी देख रहा हूं ना तो बस हर जगह आग और लावा यही है। एक काम करता हूं ना, यहां पर जितने भी बंदे हैं ना सबको मारना शुरू कर देता हूं, लेकिन कहीं उनको मारने के चक्कर में मैं ही ना उनसे मर जाऊं। ऊपर की तरफ में ना तीन चार लोग मेरे को नजर आ रहे हैं। इधर अबे तेरी भैंस की डांग, बहुत देर हो गई। जब मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर करना क्या है, किस लिए आया हूं मैं यहां पर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरे को बता तू है कौन भाई? ये तो बड़ा कमजोर था भाई। तो भाई देखो यहां पर जितने भी ज़ॉम्बीज वगैरह ना आवाज बहुत ज्यादा डरावनी सी खतरनाक सी निकाल रहे, लेकिन वो लोग ना है बहुत कमजोर। उनको मैं मार रहा हूं ना तो वो काफी ज्यादा आसानी से मर जा रहे हैं। बाकी ना मुझे लग रहा था कि यहाँ पर हमें कुछ खास चीज देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ खास नया मेरे को देखने को मिल नहीं रहा है। एक अलग से ही पत्थर ही पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक काम करता हूँ ना इसे थोड़ा सा तोड़ के मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, क्या पता हमारे लिए बाद में काम आ जाए। इससे पता नहीं अभी क्या बनता होगा, लेकिन ये जो मटेरियल है ना कुछ गोल। अबे ये क्या चीज है भाई? तो गाइस यार यहाँ पर ना सामने की तरफ में ना कुछ अलग सा ही मटेरियल मेरे को मिल रहा है, जिसको मैं अगर तोड़ रहा हूँ ना तो एकदम कांच जैसी आवाज आ रही है। लेकिन उसके अंदर से पता नहीं क्या कलेक्ट हो रहा है। इसको ना वापस से अपने इन्वेंटरी में लेकर चलेंगे और देखेंगे इससे क्या बनता है और ये किस काम आते हैं। फिलहाल जो भी हो यहाँ पर ना मैंने काफी सारे कलेक्ट कर लिए। और आगे की तरफ में ना मशरूम है, चलो भाई मशरूम लाओ। चलो भाई यहाँ पर आने का कुछ फायदा तो मेरे को नजर आया, मतलब कि भाई अभी तक मेरे को ना कुछ भी काम का नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरे को मशरूम मिल गया जो कि अपने काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। बाकी ना यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब से देखो यहाँ पर जानवर से घूम रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं मारूंगा कैसे, क्योंकि मैं जैसे इनके पास जाता हूँ ये लोग भाग जाते हैं। और ये जितने भी बंदे हैं ना मेरे को कुछ कह नहीं रहे, बस मेरे पास आते हैं और मेरे को देखते रहते हैं, कुछ कहते नहीं। और ये पूर भाई साहब ये इतनी बुरी तरह आग छोड़ता ना, ये देखो इसके पास जैसे जाओ ये मुंह खोलेगा अपना आग छोड़ देगा। भाई इससे दूर हो जाओ, ये खतरनाक चीज़ है भाई, ये खतरनाक आइटम है, इससे हमें दूर रहना है। अभी फटाफट ना एक काम करता हूँ कि भाई मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा है। लेकिन ना यहाँ पर यार काफी ज्यादा काम की चीज है यार। थोड़ा सा ना गाइस यार एक काम करते हैं और नीचे चलते हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ में ना कुछ खतरनाक से यहाँ पर ये देखो ये पता नहीं क्या है। भाई मेरे पास मत आ प्लीज, मेरे पास आएगा तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरी ऐसी तैसी। अबे भाई ओ भाई ये क्या उत्तरी? मैं गया भागो 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 भागो। भाई ये क्या था? एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, ये क्या चीज? आ जाओ बेटा, उसको मैंने मारा, उसने अपने चार बेटे छोड़ दिए और यहाँ पर चारों बेटों को मैं मारूंगा। पता नहीं क्या चीज था भाई, लेकिन जो भी हो खतरनाक सी तो थी। खैर इसको भी मैंने मार दिया है। अभी यार समझ ही नहीं आ रहा जाना कहाँ है, करना कहाँ क्या है, मतलब कुछ भी नहीं पता। थोड़ा सा अभी मैं और आगे आ चुका हूँ। नीचे की तरफ में ना कुछ अलग सा ही मटेरियल मेरे को देखने को मिल रहा है। वैसे सारे के सारे ना यही वाले स्टोन है, पूरे के पूरे नेदर पोर्टल में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाले स्टोन है। और ये तो डर्ट है भाग यहाँ से, डर्ट नीचे क्या कर रहा है? और ये क्या है? ये कॉबल स्टोन ही होगा मेरे हिसाब से, स्टोन नहीं है, ये ग्रेवल है शायद से। भाई देखो ना ये सारा का सारा ग्रेवल है, और ग्रेवल को हम लोग तोड़ते हैं तो इसके अंदर से ना हमें काफी सारा फ्लिंट भी मिलता है। और फ्लिंट जो है मतलब कि आग वाग जलाने के काम आता है। तो फटाफट ना ऊपर चल लेते हैं। अभी मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा करना क्या है, और कभी आ जाएंगे जब मेरे को समझ आ जाएगा ना कि इस जगह से हमें क्या क्या चीजें काम की मिल रही है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ से ले जानी है, वो चीज लेकर चलेंगे। बाकी यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा मटेरियल ना सारा ही लेकर चल लेते हैं। ये देखो ये कुछ अलग सी चीज है, पता नहीं क्या है, इसे घर पर ही चलकर देखेंगे। और ना अभी जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर अभी हो रहा है मेरा मत्था खराब। मेरा जो नेदर पोर्टल था कहाँ पर है? वो रहा सामने की तरफ। भाई इतनी ज्यादा दूर कैसे आ गया मैं? अभी फटाफट वापस चल लेते हैं भाई। भाई यार समझ ही नहीं आ रहा, काफी अजीबो गरीब से यहाँ पर जानवर है ये, पता नहीं अलग ही ज़ोंबी। और ये इसका छोटा सा बेटा, ओ भाई मार रहा है तो तेरी ऐसी। ओ भाई इसका बेटा भी मार रहा है। अबे मेरी हेल्थ नहीं है इतनी भाई, इसके अंदर तो बहुत जान है भाई। अबे ये क्या है? एक मिनट, अबे क्या चीज है ये? एक मिनट रुक जा भाई, लावा में गिर जाऊंगा। अबे भाई साहब भागो भागो भागो। मार दिया क्या भाई? मार दिया
भाई साहब बहुत खतरनाक लोग थे ये, जो भी थे ना यार बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। मैंने पता अपनी गेम पॉज कर दी थी और मुझे पता नहीं था कि गेम पॉज करने के बाद भी वो लोग मारेंगे। और यहाँ पर ना अभी मैं बिना कोई सामान लिए के वापस जा रहा हूँ। भाई यार सच्ची में बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग थे। अब ना बस मुझे वो देखना है कि मेरा सामान जो है वहाँ से वापसी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ना मुझे थोड़ी सी वुड्स वगैरह चाहिए होगी, तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी स्टिक है। एक काम करता हूँ ना, जल्दी से मैं ना यहाँ पर एक तलवार बना लेता हूँ जो कि उनको मारने के लिए काम आएगी। और यहाँ पर एक ये बना लेते हैं, और अभी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अब बस मैं ना सीधा जाकर उसे मारने वाला हूँ, मुंह तोड़ दूंगा भाई साहब मार मार के इन लोग का। और बाकी यहाँ पर थोड़ा सा खाना ले लेते हैं बस। अब मैं सीधा जाने वाला हूँ नेदर पोर्टल में, क्योंकि मेरे को ना मेरा सारा का सारा सामान वापस चाहिए तो चाहिए। भाई यार वो लोग क्या थे भाई, यहाँ पर जो उसका छोटा सा बच्चा था ना, मुझे तो लग रहा था उसके अंदर कुछ भी जान नहीं होगी। और भाई सच्ची में उसने मुझे इतना ज़्यादा मारा है ना पूछो मत। बस मुझे ना ये चेक करना है कि मेरा जो सामान है वो वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और जिस जगह पर मैं लास्ट टाइम मरा था वो जगह भी यार मेरे को याद नहीं आ रही है यार कहाँ पर मैं मरा था। बाकी मुझे जहाँ तक लग रहा है ना मैं अपने नेदर पोर्टल के पास पहुँचा तो नहीं था, उससे काफ़ी ज़्यादा दूर था। थोड़ा सा और आगे चलकर देखते हैं। और ये देखो भाई मेरा सारा का सारा सामान ना वापस मिल चुका है। और यहाँ पर ना अभी मैं इससे बिल्कुल भी मजे नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि यार ये सच्ची में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ओके गाइस यार अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ना मुझे मेरा सारा का सारा सामान जो है यहाँ से वापस मिल गया है। लेकिन ना गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो छोटी चिरांद है ना यार ये क्या चीज़ है। इसके जो मतलब पापा को मैंने एक तलवार मारी और भाई इसने इतने थप्पड़ मारे भाई साहब पूछो मत। मतलब कि यार मैं कुछ कर ही नहीं पाया, तलवार चलाने का मौका ही नहीं मिला। अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हेल्थ ले रहा था भाई, इसके अंदर स्पीड इतनी ज़्यादा थी ना पूछो मत। अभी फिलहाल सब कुछ हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ ना कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो चलो भाई अभी ना फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। सारा का सारा सामान जो है वो मैंने वापसी ले लिया। भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब सा एनिमल है। तो गाइस सर मुझे ना कमेंट में जरूर बताना कि नेदर पोर्टल में हमारा आने का फायदा होता क्या, और ये मैं कहाँ आके गिर गया भाई, ये मैं अपने घर के पीछे कैसे आके गिर गया भाई, ये गलत सीन है। अब यहाँ पर ज़ॉम्बी आएंगे वो अलग मारेंगे भाई, पता नहीं क्या था। खैर छुपी और मशरूम को हम खा सकते हैं, पता नहीं क्या होगा मशरूम से। गाइस यार मुझे ना कमेंट में जरूर बताना कि नेदर पोर्टल जाकर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ से मुझे क्या क्या कलेक्ट कर लाना चाहिए, और वहाँ पर ऐसी सबसे खास क्या चीज़ होती है जिसके लिए हम लोग नेदर पोर्टल में जाते हैं। अभी फिलहाल मैं वहाँ पर चला तो गया पूरा एकदम, मैंने मस्त तरीके से रास्ता वास्ता भी बना लिया यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे हो। और ये एक दिक्कत है कि जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ ना तो मैं सीधा अपने घर के उस पार चले जाऊँगा, तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे करके बना लूंगा, वो बात की बात है। तो गाइस यार अभी ना फटाफट से जल्दी से चलकर नीचे सोते हैं, और यहाँ पर ना कल हमें अपने फार्म के अंदर मुर्गियां लाकर रखनी है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अगला दिन जो है हो चुका है। सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी सीड्स ले लेता हूँ, क्योंकि आज हम लोग अपने फार्म के अंदर मुर्गियों को लाने वाले हैं, और मुर्गियों को लाना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वैसे ना मुझे नहीं पता मुर्गियों से क्या फायदा होगा, लेकिन हाँ खाना तो मिलेगा ही अपने को, बस खाने से मतलब है अभी भाई खाना होना चाहिए, क्योंकि खाना जब तक रहेगा तब तक हमारी हेल्थ भी रहेगी, और जब तक हेल्थ रहेगी तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। तो यहाँ पर ये देखो भाई एक मुर्गी मेरे को आते ही सामने की तरफ में मिल गई, तो बस ना मुझे मुर्गियों को सीड्स दिखाने अपने आप ही भाग कर आते। आजा जल्दी आजा, तेरे दोस्त यार कहाँ लोग हैं उनको भी लेकर आ, क्योंकि यहाँ पर ना हमें दो मुर्गियाँ चाहिए होगी, क्योंकि दो मुर्गियाँ ब्रीडिंग करेगी तो काफ़ी ज़्यादा मुर्गी आएंगी इससे। और यहाँ पर आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, सबको खाना मिलेगा, थोड़ा सा तू खा ले, अब आ जा फटाफट पीछे। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से ना मुर्गियों को अंदर लेकर चलते हैं, और मुझे ना थोड़ा सा रास्ता बनाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मुर्गियाँ जंप कर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। आ जाओ एक एक करके आओ बे, दोनों एक साथ जंप कर रहे, तू आ जा, तू समझदार लग रही है, ले और खिलाऊंगा जल्दी आ। भाई साहब यहाँ पर ये क्या लड़ झगड़ रही है, आ जाओ एक एक करके आओ फटाफट से, मैं जा रहा हूँ तुम्हें आना है, आओ भाड़ में जाओ वरना दिमाग खराब कर रहे हैं भाई। अभी जल्दी से आ जाओ भाई, यहाँ पर दोनों गेट खोल ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। और भाई सारी की सारी मुर्गियाँ जल्दी से भाग कर आ गई है मेरे घर में, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज होने लगी है, जल्दी अंदर आ जाओ जल्दी। यहाँ पर देखो भाई तीनों मुर्गियाँ मैं ले आया हूँ, और यहाँ पर ना इनको जल्दी से खाना खिलाते हैं, और ये लोग फटाफट से ना अंडे देना शुरू करेंगे। चलो भाई यहाँ पर देखो एक छोटा सा बच्चा भी आ गया, इसको भी खिलाओ भाई, सारी की सारी सीड्स मैं इसी को खिला दूंगा भाई, पेट भर के खाओ आराम से। अभी फटाफट से ना ये बंद करो, अभी गाय भैंस को भी चारा खिलाते हैं, और यहाँ पर उनसे भी मतलब वो भी फिर बच्चे देंगी, और फिर हमें और ज़्यादा खाना मिलेगा। अभी फटाफट से जितना भी चारा ना सारा का सारा मैं काट लेता हूँ। तो कि गाइस यहाँ पर ना मैंने सारी की सारी नई सीड्स लगा दी, और जितनी भी यहाँ पर मेरी क्रॉप्स उगी थी उनको मैंने काट लिया है। अब यहाँ पर जितना भी इससे मेरे को चारा मिलने वाला ना ये मैं सारा का सारा गाय भैंस एंड शीप को खिलाऊंगा। और गाइस शीप से ना हमें व्हाइट वूल मिलता है, और व्हाइट वूल का ना देखते भी हम कारपेट वगैरह बना सकते हैं। जल्दी खाओ भाई जल्दी, बहुत सारा खाना है। एक काम करते हैं ना अंदर चलते हैं, और यहाँ पर तलवार निकालो। चलो भाई सर दिखाओ अपना, एक एक को मरने की बारी आ गया, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा इन लोग से वूल चाहिए। तो भाई यार अभी ना एक दिक्कत होगी, ये जो गेट है ना मैंने खुला छोड़ दिया था, जिससे ना काफ़ी सारी शीप जो है बाहर निकल गई थी। जल्दी अंदर आओ भे, यहाँ पर इनको लालच दे के अंदर बुलाया, फटाफट से गेट बंद कर दिया। और यहाँ पर मुर्गियाँ ना भी काफ़ी कम है, तो मुर्गियाँ अपना बाद में जो है बढ़ते रहेगी, इन्हें जितना खाना खिलाओगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलो गाइस यार अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो, और ये जो मैंने इतना बड़ा महल बनाया ये भी अच्छा लगा हो, तो फटाफट इस वीडियो जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं ओनली 3 लाख लाइक के लिए, तो फटाफट से जाओ जो गोल है उसे कंप्लीट कर दो। और हाँ यार जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे
कमेंट में जरूर बताना कि नेदर पोर्टल में मुझे जाकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जो चीज़ है कमेंट में जाकर जरूर बताना। और जिसने इंस्टा पर फॉलो नहीं करा इंस्टा पे फॉलो कर लो, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, इंस्टा एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।